हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने टाइटल सही पढ़ा है। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ उन लोगों से जो कि मुझे कॉल्स करते हैं और फिर ये चीज़ें बोलते हैं और फिर जो है मैं यही सोचता हूँ कि उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कैनेडा आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों को कैनेडा नहीं जाना चाहिए। अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अपनी चीज़ों को वेस्ट मत करो। चले दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजदीप और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चले शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। फ्रेंड्स, मेरे पास अक्सर कॉल्स आती रहती है कि सर हमें कनाडा जाना है, हमें कनाडा के लिए कुछ हेल्प आउट करो, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे पास कंप्लीट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात भी करता हूँ और उनकी हेल्प करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश भी करता हूँ। तो सब यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे लगता है जो मैं आज आप लोगों को बोलने वाला हूँ वो यही है कि जब भी मैं कॉल पे लोगों से बात करता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि यार वो पाकिस्तान के अंदर हैं या इंडिया में हैं, वो वहाँ पे कोई भी काम नहीं करते। उनका कहना ये है कि हमने आज तक कभी काम नहीं किया। तो आपको क्या लगता है यार कि अगर आपने काम नहीं किया तो आप कनाडा जाके काम कर पाओगे? दोस्तों, बाहर की कंट्रीज़ में जाना कोई आसान बात नहीं है। अगर आप वहाँ पे पहुँच भी जाते हो तो वहाँ पे आपको दिन रात मेहनत करनी है। कोई ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान या इंडिया है, यहाँ पे आपने 8 घंटे 9 घंटे काम किया, 10 घंटे काम किया, उसके बाद घर पे गए तो घर पे आपके फादर, आपकी मदर, ये सब आपका वेट कर रहे हैं, आपके लिए खाना बना रहे हैं, आप लोग को चीज़ें दे रहे हैं हाथ में। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। 18-18 घंटे लोग वहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस बात को मजाक लिया हुआ है कि हम इंडिया या पाकिस्तान में कोई काम नहीं करते तो हम कनाडा जाके काम करेंगे, हम अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे, हम अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में काम नहीं कर सकते तो आप कनाडा या किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर आप काम नहीं कर सकते। आप किसी भी बड़ी कंट्री ले लो, यूरोप ले लो, यूरोप के अंदर जर्मनी है, स्पेन है, जिनकी इकनॉमी इतनी मजबूत है, वहाँ पर आप काम नहीं कर सकते। दोस्तों, वहाँ पर ज़्यादातर सारे मेहनती लोग हैं जो 12-12, 18-18 घंटे काम करते हैं। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में वहाँ पर जाते हो, जब आप वेल सेटल नहीं होते वहाँ पर, तो आपको वहाँ पे कुछ भी काम करना पड़ता है। जैसा भी काम आपको मिलता है बस आपको करना है अपनी फैमिली के लिए। आप इतने ज़्यादा अपना पैसा खर्च करके वहाँ पर आते हो, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो बंदा यही सोचता है कि नहीं यार अपने मुल्क वापस नहीं जाना। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के अंदर काम नहीं करते तो आप कनाडा वगैरह में, इन कंट्रीज़ में काम नहीं कर सकते। क्योंकि एक तो यहाँ की लिविंग बहुत ज़्यादा दोस्तों, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं वहाँ पे आने के बाद कि यार हम कहाँ आ गए, इससे अच्छा तो हम घर पे ही ठीक थे। क्योंकि दोस्तों, मैंने देखा है कि जब मैं दुबई गया था तो वहाँ पे लोग रहते थे किस तरीके से रहते थे यार, 7-7, 8-8 लोग एक रूम में रहते थे, अपने कपड़े भी खुद धोते थे, खाना पीना भी खुद खाते हैं बेचारे, बनाते भी खुद हैं। यहाँ तो अगर बाहर से खाते हैं तो बाहर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। कैसी ज़िंदगी वो जीते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं कि बस यार किसी तरीके से भी पैसा बनाया जाए और फिर उसके बाद अपनी कंट्री वापस जाया जाए। लेकिन यहाँ पे पता है जो लोगों की मुझे कॉल जाती है या जो लोग मुझे ईमेल्स करते हैं, उनकी शायद सोच ऐसी है कि कनाडा जाएंगे यार, वहाँ पे दरख्तों में पैसे लगे हैं, बस उसको तोड़ना है, बैग भरने हैं और अपने घर भेज देना है, अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे, सुकून की ज़िंदगी होगी, लग्जरी लाइफ जियेंगे। दोस्तों, आपको नहीं पता कि बाहर लोग किस तरीके की लाइफ जीते हैं। मैं आपको बोलूं, आप अभी जो अपने घर में लाइफ जी रहे हो उससे कहीं बदतर लाइफ है बाहर। अगर आप कनाडा जाते हो तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में अच्छा काम नहीं मिलता। अगर आप पाकिस्तान इंडिया में काम करते हो और अगर आप वहाँ पे ये देखते हो कि यार मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, मैं अकाउंट्स की फील्ड में हूँ या तो फिर मैं कोई स्किल लेवल की जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे 35-40 हज़ार मिल रहे हैं पाकिस्तान इंडिया में, हाँ तो आप कनाडा मूव हो सकते हो। आपको वहाँ पे अच्छी पे मिलेगी, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तक आपको पे मिल सकती है। आप अच्छी तरीके से काम कर पाओगे, वहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा नया। आपको इस चीज़ का पैशन होना चाहिए कि मुझे काम करना है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि अगर आपने कभी काम नहीं किया तो आप बॉस की गालियाँ नहीं खा सकते। वहाँ पर जब आप जाते हो कनाडा या कहीं भी, कोई भी मुल्क ले लो, सिर्फ कनाडा नहीं, कोई भी मुल्क ले लो, यूरोप ले लो, दुबई ले लो, मलेशिया ले लो, कहीं भी जाते हो तो वहाँ के बॉस आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो होता क्या है कि जो लोग कभी भी जॉब नहीं किया होता है, उन्होंने कभी भी काम नहीं किया होता है, तो उनके अंदर पेशेंस ही नहीं होते। वो बोलते हैं यार कहाँ हम आ गए, कुत्ते जैसी ज़िंदगी निकाल रहे हैं यार, मेरा गर्क हो गया हमारा, यहाँ पे हमें इतना तंग किया हुआ है बॉसेस ने, ये किया हुआ है। तो हर जगह पे ये चीज़ है।
दोस्तों अभी मेरे पास रिसेंटली एक बंदे की कॉल आई थी, उसने मुझे कहा कि यार कनाडा के लिए मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत है आपकी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बताओ ब्रदर, लेकिन सबसे पहले मेरा उनसे सवाल यही था कि ब्रदर आप वहाँ पे क्या काम करते हो। वो बंदा इंडिया का था, उसने मुझे छूटते ये कहा कि ब्रदर आज तक मैंने कभी कोई काम नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ कनाडा जाऊँ और वहाँ पर कोई अच्छा काम करूँ। यार अच्छा काम ऐसे नहीं मिलता, आप इंडिया में काम नहीं कर रहे, पाकिस्तान में काम नहीं कर रहे, तो आपको कनाडा में कैसे काम मिलेगा? आपको हेल्पर का या किसी भी कोई छोटी लेबर जॉब आपको मिलेगी जहां आपको लगना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि बंदा जाते ही वेल सेटल नहीं हो जाता, उसको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। अगर आप वहां पे काम करोगे तो आप बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। दोस्तों वहां पे मेरा भाई है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरा भाई जो है वो सुबह को 7 बजे उठता है और रात को 1-2 बजे घर आता है, और वो बेचारे की लाइफ ऐसी है कि क्या बताऊं, लेकिन फिर भी देखो कितनी मेहनत करता है। कोई भी कंट्री चले जाओ, कोई भी यूरोप कंट्री चले जाओ, कनाडा चले जाओ, वहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आप लोगों को नहीं पता वहाँ की लाइफ बहुत सख्त है, वहाँ पे मेहनत ही मेहनत है। और जितने भी लोग बाहर हैं अपनी कंट्रीज छोड़ के बाहर गए, इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कुत्ते जैसी ज़िंदगी निकालते हैं। वो इसीलिए ताकि उनका आगे का फ्यूचर अच्छा हो पाए, वो आगे अच्छे वेल सेटल हो पाए, इसीलिए वो ऐसी लाइफ निकालते हैं। जो लोग पाकिस्तान और इंडिया में जॉब नहीं कर सकते, वहाँ पे बॉस की गालियाँ नहीं खा सकते, तो वो कनाडा में जाके क्या उखाड़ लेंगे यार। इसीलिए दोस्तों उनकी हेल्प मैं बिल्कुल नहीं करूँगा जो कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कोई काम नहीं करता, बस फजूल के फ़ोन करता रहता है। उसको ये लगता है कि बाहर जाऊँगा, अच्छा पैसा है, बाप का पैसा है, वहाँ जाके बस पैसा लगाऊँगा और अच्छा अच्छा काम वाम करूँगा, अच्छे खासे पैसे कमाऊँगा। तो ये सोच अपने दिमाग से निकाल लो, ऐसे बंदे की हेल्प नहीं करनी मुझे जो कि सिर्फ 1 हफ्ता या 6 महीने वहाँ पे रुके और फिर वहाँ से भाग के वापस आते कि नहीं यार वहाँ की लाइफ तो मैं नहीं निकाल पा रहा, बहुत हार्ड है। दोस्तों हार्ड तो है, आपको हर जगह पे मेहनत करनी है तभी ही आप वेल सेटल हो पाओगे। कोई भी कंट्री में जाओगे हर जगह आपको मेहनत लाजमी करनी है। इसीलिए दोस्तों ये फजूल के जो अपने दिमाग में आपने कनाडा का जो ये बसाया हुआ है कि मैं कनाडा जाऊंगा अच्छा खासा अमीर हो जाऊंगा रिच हो जाऊंगा, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। आपको वहाँ जाके मेहनत करनी है। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में अपने कंट्री में मेहनत नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के लिए स्पेन का, जर्मनी का, हर जगह का जो कि जिनकी इकनॉमिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए कुछ ना कुछ अपडेट्स लाता रहता हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके, ताकि आप वहाँ पे जाके अपनी पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाओ। लेकिन जो लोग ये चीज़ सोचते हैं कि यार बाप के पैसे से हम वहाँ चले जाएंगे और बस आज तक कभी काम नहीं किया, वहाँ जाके काम करेंगे अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है और ना मैं उनकी कभी हेल्प करूँगा। क्योंकि दोस्तों उनकी हेल्प करना बिल्कुल बनता ही नहीं है जो कि वहाँ जाके काम ही ना कर पाए। इससे अच्छा किसी उसकी हेल्प की जाए जो बेचारा 12 साल 14 साल से जॉब कर रहा है, मेहनत कर रहा है अपनी फैमिली के लिए और अब तक कुछ नहीं कर पाया। तो उनके लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ जितना मुझसे हो सकेगा मैं हेल्प करूँगा। अगर आप किसी और चैनल के ऊपर भी जाओगे तो वो भी आपकी कभी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा मेहनत कर सकता है, कोई बंदे में लगन है कि हाँ यार वो काम करना चाहता है, तो हम उसकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। हमसे जितना हो पाएगा हम उसके डॉक्यूमेंट्स, जो भी उसको चीज़ की ज़रूरत होगी, हम उसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस ये वीडियो सिर्फ इसीलिए था कि जो लोग अपने दिमाग में ये चीज़ सोच के बैठे हैं कि हम कनाडा जाके अमीर हो जाएंगे, कनाडा जाके बस फटाफट कोई अच्छा काम कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आप में लगन है और आप चाहते हो कि आप कनाडा जा पाओ, तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए ही हैं। मैं हर वक्त आप लोगों के लिए कोई ना कोई अपडेट्स लाता रहता हूँ, कोई ना कोई नई चीज़, टिप्स ट्रिक्स कुछ ना कुछ लाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को और मदद मिल पाए। तो मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, अगर आप एक मेहनत वाले लोग हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, टाटा बाय।